हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सरताज और आप देख रहे हैं सरताज फर्नीचर आई के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि दरवाजे में गोल लॉक कैसे लगाते हैं। गोल वाला जो लॉक होता है हमारा, तो उसको हम कैसे लगाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। आइए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हम आ चुके हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका बॉक्स खोल के हम चेक कर लेंगे कि इसमें क्या क्या सामान निकलता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लॉक है जो हमारा दरवाजे में लगता है। ठीक है, ये चेक कर लेंगे खोल के। और भी इसमें हम सामान कुछ निकलेगा, ये इसकी पत्तियाँ वगैरह निकलती हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी वो पत्तियाँ हैं जो चौखट में लगती हैं। ये वाली पत्तियाँ हमारी चौखट में लगती हैं। ठीक है, ये जो लंबी सी पत्ती है हमारी, ये हमारे इसको लॉक खोलने के काम आती है। ये हमारी चौखट में लगती है। ठीक है, और इसकी एक गुल्ली भी आती है जो हमारी जिससे लॉक होता है ये। ठीक है, अब दोस्तों ये जो हमारी पत्ती है, इसको इस तरह से यहाँ पे एक सुराग होता है पत्ती में, उसमें सुराग में इसको पत्ती को धसाएंगे और ये हमारा लॉक अलग हो जाएगा। फिर इसके अंदर का सिस्टम जो होता है उसको खोल लेंगे। ठीक है, ये पेच वगैरह इसमें लगे हुए होते हैं, इसको खोल लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा लॉक खुल चुका है, मतलब साइड से पत्तियाँ इसकी खुल चुकी हैं। अब इसको हम दिखाते हैं कि इसको इस तरह से इसको इस फंसाया जाता है, इसकी गुल्ली को इस तरह से फंसा के और इसमें लगाया जाता है। अब जैसे हमने यहाँ पे लगाया उसी तरह से हम लॉक में इसको लगाएंगे, तभी ये हमारी काम करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको दरवाजे में लगा के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम इसको लगाते हैं। दोस्तों, नीचे से हम 40 इंची लेंगे। ठीक है, 40 इंची की हाइट पर ये हम निशान लगाएंगे और अंदर को हम लेंगे इसमें 602 या 603 mm। ठीक है, क्योंकि 600 mm की हमारी ये गुल्ली होती है, गुल्ली नहीं, 600 mm का हमारा ये लॉक प्रॉपर तरीके से होता है। 2 या 3 mm हमें इसकी गुल्ली जो होती है वो कलानी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए 603 mm, 2 या 3 mm इस पर निशान लगाएंगे, या फिर इंची में लगाएंगे हम 2.5 इंची पर निशान। ठीक है, 2.5 इंची पर निशान लगा के इसमें सुराग कर लेंगे। दोस्तों, पहले एक निशान मार के चेक कर लेंगे कि हमारा जो ये कटिंग हो रही है ठीक हो रही है या नहीं। इस तरीके से इसकी गुल्ली लगा के चेक करेंगे और गुल्ली एकदम मतलब फेस में आनी चाहिए इस कटिंग के। ठीक है, अब दोस्तों आधा आधी कटिंग हम इधर से कर लेंगे और आधी कटिंग हमें अंदर की तरफ से करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एक तरफ से हमारा पूरा दरवाज़ा कटिंग नहीं होता, इसलिए आधी कटिंग हम इधर से कर लेंगे। अब आधी कटिंग हम अंदर से कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये हमारी कटिंग हो चुकी है। निशान लगाएंगे इस तरह से, हम उसका गुल्ली का निशान लगा रहे हैं, जो उसको कैसे लगाएंगे, ये दो निशान लगा के उस इनके बीचों बीच में एक निशान लगा करके हम और सुराग कर लेंगे। ये दोस्तों 20 नंबर का बिट होता है जिससे हम सुराग करते हैं, 20 नंबर के बिट से हम सुराग करेंगे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, इतना मुश्किल नहीं होता लॉक लगाना, ये वाला एकदम आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों, अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर 88% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लें चैनल। ये दोस्तों इस तरह से हम इसकी गुल्ली लगा लेंगे सुराग करके, 20 नंबर के बिट से सुराग करके इस तरह से हम निशान लगा के, और इसमें जैसा हम दूसरे वाले लोक में खांचा मारते हैं ना, उसी तरीके से इसमें इसको खांचा मार के बिठा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसमें थोड़ी थोड़ी कटिंग करके। दोस्तों, हमारा ना पहले इधर मालिक लोगों ने पहले इधर कब्जे लगवा दिए थे,
फिर दूसरी तरफ को खोलने को बोला है, इसलिए इसमें खांचा लगा हुआ है पहले से, इसीलिए दरवाज़ा थोड़ा ऐसा हो रहा है कि पहले हमारे दरवाजे में इसमें दूसरी तरफ कब्जे थे, जिधर हम लॉक लगा रहे हैं इधर कब्जे थे, ठीक है। और अब उन लोगों ने अब कराया है दूसरी तरफ कब्जे इसके। अब दोस्तों इस तरीके से हमने इसकी गुल्ली खींच ली और ये लॉक डाल लेते हैं अंदर से। वो जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इसकी गुल्ली को फंसाना है लॉक में, उसी तरीके से इसमें खांचा होता है बना हुआ, उसमें प्रॉपर तरीके से फंसाना है, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से हमारा फंस जाता है। फिर इधर से दोस्तों ये पेच खींच लेंगे इसकी प्लेट में, ठीक है, अंदर की तरफ रखना है दोस्तों इसको, जो हमारे जिधर से पेच प्लेट खींच रही है वो अंदर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम पेच खींच लेंगे इसके। ये देखिए दोस्तों, अब दोस्तों इसके ऊपर से इसको भी खींच लेते हैं, इसमें चूड़ियाँ होती हैं, ठीक है, उसको घुमा करके हम टाइट कर लेते हैं। अब इसका जो लॉक होता है ये वाला हमारा गुल्ला सा होता है, इसको भी फंसा देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा बहुत घुमाएंगे तो वो चला जाएगा अंदर। ये देखिए दोस्तों हमारा बिल्कुल बढ़िया लॉक काम कर रहा है, एकदम ठीक चल रहा है हमारा लॉक। अब दोस्तों निशान ले लेंगे चौखट पे कि हम इसकी गुल्ली गलाएंगे आगे से, निशान चौखट पे लेके पैन से निशान लेके और ड्रिल मशीन से सुराग कर लेंगे जहाँ भी ये हमारा सुराग मांग रहा है इसका, ठीक है। सुराग करके इसको चौरसे से थोड़ा थोड़ा छांट लेंगे। चौरसे से छांटने के बाद इसकी हम पत्ती लगा लेंगे। पत्ती को इसमें गला के लगाना है दोस्तों, थोड़ा मतलब ऐसा नहीं करना है कि चौखट के ऊपर से पत्ती ठोक देनी है, थोड़ी थोड़ी गला के पत्ती को तब लगाना है उस पर, ठीक है। ये देखिए दोस्तों हमारी पत्ती गल के लग चुकी है, इसमें पेच मार लेते हैं हम। ये हो चुका है हमारा लॉक लग के तैयार। ये देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये लॉक लग के हो चुके हैं तैयार। ये थोड़ा कब्जे की दिक्कत आ रही है, यहाँ पे हमारा कब्जा आ रहा था जहाँ पे, अब ये लॉक आ रहा है, पहले इधर कब्जे लगवा रखे थे दोस्तों। इसमें ना एक ये पिन सी गुल्ली सी होती है लॉक में, जो हमारी वो होती है बटन सा होता है, इसको दबाएंगे तो हमारा लॉक हो जाएगा और इसको अंदर की तरफ से ही खुलता है ये। इसके बटन को दबाने के बाद बाहर से नहीं खुलेगा, अब अंदर से ही खुलेगा, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।